असलम एस एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ इश्तियाकली ख़बरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से एम के एम पाकिस्तान ने आज योम सयाह मनाने का ऐलान किया है एम के एम के रहनमा आमिर खां का कहना है कि आज शहीद साथी की नमाज जनाजा होगी अमल नमाज जनाजा के बाद तय किया जाएगा इसी हवाले से मज़ीद तफसी जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़ार अली से जी जोल्फ़कार बताइएगा क्या तफसलत हैं आपके पास एम के एम पाकिस्तान की जानब से बलद्याती कानून के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली पर पुलिस टूट पड़ी जिसके बाद इलाका मैदान जंग बन गया पुलिस की जानब से हवाई फारंग शेलंग और लाठी चार्ज रुकने संद असम्बली समेत कई कारकनान जख्मी हो गए भगदर से रैली में शरीक खवातीन और बच्चों की हालत गैर हो गई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एम क्यूम खालद मकबूल सदीकी ने कहा कि सिंध पुलिस का एम एम की रैली पर तशद ये डंडे जो उन पर बरसाए गए इनके ही पैसों से खरीदे गए हैं खालद मकबूल सदीकी ने कहा कि वजीर अजम इमरान खान फौरी कराची आए वजीर आजम को आज फैसला करना है कि वो पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ है या पाकिस्तान बचाने वालों के साथ याद रखिएगा अगर वो एक बच्चा जो शहीद हो गया है तो क्या कराची अपने बच्चों के शोक में अपने बच्चों शोक भी ना मनाए जो कुछ माओ बहनों के साथ हुआ है क्या उस पर सर भी ना पीटे हम अपना खालद मकबूल सदीकी ने आज संत को हटाने का मतालबा किया और कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते लेकिन सबको पता है कि वो लड़ना जानते हैं खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हमारी माँ बहनों पर डंडे बरसाए गए हम पर शलंग की गई हमारी माँ बहनों और मसूम बच्चों की हालत गैर हो गई